नमस्कार, मैं हरिगंधा सिंह न्यूज़ 70 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि हाल ही में कुछ दिन पहले सरकार ने कुछ एक दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसको लेकर पूरे भारत में और हम सभी लोगों के अंदर एक जिज्ञासा बनी हुई है कि आखिर वो दिशा निर्देश हैं क्या, और इन दिशा निर्देशों के लागू होने के बाद हमारे जीवन के ऊपर या हमारे सोशल लाइफ के ऊपर इस सबका क्या असर पड़ने वाला है। भारत सरकार ने 25 फरवरी को सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म से जुड़े कुछ एक दिशा निर्देशों को जारी किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि इन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर डाली जाने वाली कंटेंट या जो सामग्री है उसके ऊपर नियंत्रण रखा जा सके। यानी कि जो भी सामग्री बेलगाम इन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दौड़ती जा रही है, उनके ऊपर लगाम कसना सरकार का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद व श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी थी। श्री प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला था कि भारत के अंदर व्हाट्सएप के 53 करोड़, फेसबुक के 41 करोड़, इंस्टाग्राम के 21 करोड़, यूट्यूब के 44.8 करोड़ व ट्विटर के 2.25 करोड़ उपभोक्ता हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि सरकार को इन दिशा निर्देशों को जारी करने की ज़रूरत क्यों आनी पड़ी। ये जितने भी हमारे नए नियम और कानून जो सरकार द्वारा लागू किए जाएंगे, ये ना केवल फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए लागू होंगे, बल्कि जितने भी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं, ओवर द टॉप या जिसे हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर OTT प्लेटफॉर्म्स भी कहते हैं, ये उनके ऊपर भी लागू होने वाले हैं, जैसे कि अमेज़न, नेटफ्लिक्स इत्यादि। इसके अलावा हमारे देश के अंदर जितनी भी डिजिटल न्यूज़ एजेंसी हैं, यानी कि हर वो न्यूज़ चैनल जो यूट्यूब चैनल को बनाकर या वेबसाइट्स को बनाकर खबरों का प्रदान करते हैं, उनके ऊपर भी ये दिशा निर्देश लागू होने वाले हैं। सरकार का कहना है क्योंकि इन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करोड़ों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं, और कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कोई भी आपत्तिजनक सामग्री इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड कर सकता है, जिससे धार्मिक व सामाजिक माहौल के बिगड़ने का अंदेशा बना रहता है और किसी भी व्यक्ति को मानसिक ठेस भी पहुँच सकती है। खासतौर पर महिलाओं की गरिमा का मुद्दा भी केंद्रीय मंत्री ने उठाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का डिजिटल अपराध होने की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है। तो आइए अब हम विस्तार से जानते हैं कि सरकार द्वारा जारी किए गए ये दिशा निर्देश आखिर हैं क्या। सबसे पहले तो सरकार द्वारा ये कहा गया है कि हर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसके 50 लाख या उससे अधिक उपभोक्ता हैं, उसे टेक्निकल या टेक इंटरमीडियरी कहा जाएगा, और हर ऐसी टेक इंटरमीडियरी को एक शिकायत अधिकारी, एक मुख्य कंप्लायंस अधिकारी और एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी, और ये सभी अधिकारी दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन उपलब्ध रहेंगे, जिससे उपभोक्ता किसी भी समय अपने किसी भी ग्रीवियंस का या अपने किसी भी शिकायत का हल पा सकेंगे। इन सभी ऑफिसर्स के जो नंबर हैं, जो हेल्पलाइन नंबर हैं, इनका नाम और इनका ऑफिस, ये सभी इन सभी टेक इंटरमीडियरीज़ को पब्लिक करना होगा, अपनी साइट्स के ऊपर इन सबको पब्लिश करना होगा, ताकि हर व्यक्ति जान सके कि उन्हें शिकायत आखिर करनी किससे है। इसके अलावा जब भी कोई शिकायत होती है तो शिकायत होने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपत्तिजनक सामग्री को हटाना होगा, और केंद्र सरकार के नोटिस के 72 घंटे के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई लेनी होगी, और इन शिकायत अधिकारियों को हर महीने होने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट भी सबमिट करवानी पड़ेगी। इसके अलावा इन इंटरमीडियरीज़ को और इन ऑफिसर्स को ये बताना पड़ेगा कि फर्स्ट ओरिजिनेटर है कौन। कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी कंटेंट डाला जाता है, तो उसको कंटेंट को सबसे पहले किसने डाला। कहने का मतलब कि आखिर खुराफात हुई कहाँ से। जैसे कि किसी व्यक्ति ने कोई ट्वीट कर दिया, अब उसका ट्वीट पसंद आया तो लोग उस ट्वीट को बार बार रिट्वीट करेंगे, और उसके बाद जो आज के समय में क्या होता है कि हमें यह पता नहीं चल पाता कि बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल शुरुआत में वो ट्वीट आखिर करी किसने थी। तो फर्स्ट ओरिजिनेटर के बारे में बताने से सरकार को यह पता चल पाएगा और लोगों को यह पता चल पाएगा कि वो जो कंटेंट है सबसे पहले किसने अपलोड किया था। सेम यही चीज़ व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग मैसेजेस के मामले में भी लागू होगी। इन नए दिशा निर्देशों के बाद से डिजिटल मीडिया IT एक्ट के अंदर तो जो OTT प्लेटफॉर्म हैं वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एक्ट के अंतर्गत आएंगे,
और इन पर प्रसारित होने वाली सभी सामग्री से पहले डिस्क्लेमर दिखाना होगा और यदि इनसे कोई गलती होती है तो गलती होने के बाद माफ़ी का प्रसारण भी करना होगा। ऐसा कोई भी अपराध जो भारतीय कानून व्यवस्था के हिसाब से गैर कानूनी है या जिसकी सज़ा 5 साल या उससे अधिक है, ऐसे किसी भी कंटेंट को डालने से बचना होगा। यह कंटेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे महिलाओं या बच्चों का शोषण, किसी को चोरी के लिए उकसाना, किसी को हत्या के लिए उकसाना, तस्करी इत्यादि। इसके अलावा इन टेक इंटरमीडियरीज़ को यह निर्धारित करना होगा कि इनके जितने भी उपभोक्ताएं हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाए, मतलब कि क्या कोई फेक आईडी तो नहीं चला रहा, और इनका वेरिफिकेशन कैसे करना है ये टेक इंटरमीडियरीज़ खुद ही डिसाइड करेंगी। इसके अलावा इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जितनी भी जानकारी या जितनी भी सामग्री प्रसारित होती है उसके लिए हमें इनकी श्रेणी बनानी होगी। श्रेणी बनाने का मतलब क्या है, हमें पहले इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा कि यह कंटेंट कौन कौन व्यक्ति देख सकता है, जैसे 18+, 13+, 16+ या बच्चे इत्यादि। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि सरकार द्वारा जारी किए गए इन दिशा निर्देशों या इन गाइडलाइंस का उपभोक्ताओं के ऊपर क्या असर पड़ेगा और उपभोक्ताओं को इनसे क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो यह सबसे बड़ा उपभोक्ताओं के लिए फ़ायदा है कि अगर किसी भी उपभोक्ता को कोई शिकायत है तो उपभोक्ता किसी भी समय अधिकारी को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेगा, जिसका निवारण तुरंत किया जाएगा। जैसा कि सरकार की गाइडलाइंस में था कि 24 घंटे के भीतर भीतर जो भी विवादास्पद सामग्री है, जो भी विवादास्पद कंटेंट है, उसको हटाया जाएगा। तो विवादास्पद और गलत और विभत्स कंटेंट से उपभोक्ताओं को जल्द ही निवारण मिलेगा और उनकी जल्द ही सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई उपभोक्ता ऐसा है जिसके कंटेंट को ब्लॉक किया गया है या जिसके कंटेंट को हटाया गया है, तो उस इंटरमीडियरी को उपभोक्ता को बताना होगा कि आखिर आपका कंटेंट हमने हटाया क्यों है। इसके अलावा यदि किसी उपभोक्ता की एक्सेस को रोका जा रहा है, यदि किसी उपभोक्ता को कोई भी कंटेंट देखने से रोका जा रहा है, उसे ब्लॉक किया जा रहा है या उसे बैन किया जा रहा है, तो उस टेक इंटरमीडियरी को या जो भी संबंधित अधिकारी है उस अधिकारी को बताना होगा कि आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा है। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा पेरेंट्स के लिए आ रहा है, अपने बच्चों को नियंत्रित और नियमित जानकारी उपलब्ध कराने का या नियमित एक कंटेंट उपलब्ध कराने का, उसके हिसाब से क्या सरकार ने कहा गया है। सरकार का कहना है कि OTT प्लेटफॉर्म्स को पेरेंटल लॉक की सुविधा प्रदान करनी होगी। पेरेंटल लॉक की सुविधा का मतलब क्या है कि हर वो कंटेंट जो 13+ व्यक्ति के लिए बना हुआ है, अर्थात कहने का मतलब है कि हर वो कंटेंट जो 13 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति ही देख सकता है, पेरेंट्स उस कंटेंट को लॉक कर सकेंगे ताकि ऐसा कोई भी अश्लील, विभत्स या कोई भी विवादास्पद कोई भी सामग्री बच्चों के सामने ना आए। सरकार के इस फैसले के बाद जगह जगह वाद विवाद शुरू हो चुके हैं और जगह जगह चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। इस विषय के अंदर लोगों की मिश्रित रुझान सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार की इन नीतियों की वजह से और इन दिशा निर्देशों के कारण जितनी भी विभत्स और विवादास्पद जानकारी नेट के ऊपर उपलब्ध है या जो भी शोज़ या वेब सीरीज़ दिखाए जाते हैं जो भी किसी एक पर्टिकुलर धर्म के विरुद्ध हैं, उनसे हमें निजात मिलेगी और देश की कानून व्यवस्था, संप्रभुता और शांतिप्रियता बनाए रखने में बहुत मदद मिलेगी। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि सरकार के इन दिशा निर्देशों के कारण जो हमारा संविधान हमें बोलने की आज़ादी देता है उसके ऊपर सरकार का अंकुश लगाए जाने की तैयारी है। हालांकि अभी इन दिशा निर्देशों के लागू होने के अंदर 3 महीने का समय है, लेकिन सरकार ने इसके लिए कमर कस ली है और पूरे जोरों शोरों से इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। आप सभी का सरकार के इन दिशा निर्देशों के विषय में क्या कहना है, आपका क्या मत है, क्या आप सरकार के इन दिशा निर्देशों से सहमत हैं या आपको भी यह बोलने की आज़ादी के अंदर खलल लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।